ब्रिटेन में जमीन से कोयला निकालने की परंपरा 2000 सालों से चली आ रही है। अलबत्ता स्कॉटलैंड के सर जॉर्ज ब्रूस ने 1575 में कोयला खुदाई की तकनीक में एक नया अध्याय शुरू किया, जब उन्होंने 40 फुट के एक शाफ्ट को दो अन्य शाफ्टों से जोड़ दिया, जिससे खदानों में बेहतर हवामान और जल निकास बना रहा। इस अनोखी और अद्भुत ब्रिटिश तकनीक के मूलभूत तरीके आज भी दुनिया भर की कोयला खदानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में पहली कोयला खदान रानीगंज में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले ब्रिटिश पायनियर्स जॉन समर और सुटोनियस ग्रांट हीटली द्वारा खोली गई। जाहिर सी बात है, भारत का पूरा कोयला व्यापार अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था से लिया गया था। मरकट्टा के क्वार्टर्स, ऑफिसर्स के क्लब्स, माइनिंग की परिभाषा, यहाँ तक कि धनबाद स्थित मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी लंदन की रॉयल स्कूल्स ऑफ माइंस के नक्शे कदम पर ही बनाई गई थी। इंग्लैंड और भारत की खदानें एक दूसरे से 6000 किलोमीटर दूरी पर भले ही क्यों ना हो, एक चीज इन दोनों खदानों में समान थी और वो थी खदानों में दुर्घटना। तुम अगर ऐसे अंदर छुप के बैठे रहोगे तो ये मैटर सॉल्व कैसे होगा? अरे पहले तुम भीड़ को वापस भेजो। अरे ये भीड़ प्रेम से बात करेगा, तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, हमको भरोसा नहीं है तुम पर, तुम भीड़ को वापस भेजो। ऐ मोशाई, भीड़ कहीं नहीं जाएगा। तुम पहले बोलो, तुम हमारा नंदू मल्ला को इस नौकरी पे वापस लेगा कि नहीं? अरे आपने नहीं, जसवंत ने निकाला है। किधर है वो? दरवाजा तोड़। अरे दरवाजा तोड़ ही क्या? ए मोसाई, पुलिस को फोन मत करना। भालो का तो सुना हूँ। अरे खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। अभी भी टाइम है, दरवाजा खोलो। तोड़े? अरे बचा लो प्रभु। अबे जोर से मार। रुको। दादा यही है जो बहुत अफसरी झाड़ रहा था। दादा सब ठीक? तुम हमार घर से फोन है। ए, बोका, तेरे को लगता है अभी फोन अटेंड करने का टाइम है? दादा सॉरी, घर से फोन है, ले लेने दो ना प्लीज, आप तो समझ सकते हो। बोलिए निर्दोष। जसवंत जी कितने रह गए जी, कदों का इंतजार कर रही हूं। पता है किन्ना को टाइम हो गया है? मुझे पता है 6 बजे। वो हमारे सीनियर आए हुए ना, वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ऑफिस वापस आना पड़ा। शादी च की लेके जाना है, डिसाइड कीता है? तुसी दसो जी। डिनर सेट गुप्ता जी भी वही दे रहे। अच्छा जी, मिक्सर ग्राइंडर दे दे। अरे वो तो बड़े साहब दे रहे हैं ना। वो तो बड़े साहब दे रहे हैं। तो अब क्या दे? अब खैर तुसी परेशान ना हो, मैं साडे सीनर नाल गाल करके इन्हां नूं निपटा के मैं आना कार। ठीक है। तुमने हमारा नंदू को नौकरी से निकाले? हाँ, क्योंकि आपका नंदू शराब पी के काम पे आया था। उसे वापस लो। ए नंदू सॉरी बोल। माफ करो। ठीक है माफ कर दिया, लेकिन ये काम पे नहीं आ सकता। क्यों? अबे तुम जानता है हम कौन है? नहीं। ए, मौका! माफ कर दो दादा, थोड़ा जोर से लग गया, लेकिन दादा गलती तो आपकी है ना, पगड़ी पे बंदूक रखा। अरे रखना है तो यार छाती पे रखो ना, पगड़ी पे रखना गलत है। बराबर, लेकिन वो फोन पे तुम्हारा वाइफ को मेरे को सीनियर बोला और इज्जत दिया, इसीलिए तुमको माफ किया। धन्यवाद। लेकिन दादा चुप, गाधा नौकरी पे दारू पीता है, सोरेर बच्चा, चल एकदम ठीक है। ए चल चल चल। दादा आप ठीक? ठीक है जी, ठीक है, ठीक ठीक है। ए चल चल, तू बाहर चल, हट, चला तेरे को मैं दारू पिलाता हूं। चल सर। हां जसवंत, वो लोग गए सर।
सर दरवाजा खोलिए। सलाम साहब। नमस्ते साहब। हो गए सबके प्रॉब्लम सॉल्व हैं जी? ओए निर्दोष की कर रही हैं? आपकी प्रेगनेंसी चल रही है ना, डॉक्टर ने की किया सी? टेक इट इजी। अरे कुछ नहीं होंदा जी, डॉक्टर ते भी डरांदा रहंदा। तेरे नाल ना कोई नहीं जीत सकदा। चल निर्दोष जी, क्या बात है, बड़ी सोनी लग रही है। शुरू। मैं सोच रहा सी आज ब्याह ते जाना। आपकी तरफ वालों का है, देख लो। बोल गया सी। चलो फिर निपटाए आने। अरे मतलब ऐसे कैसे, चेंज तो करके आओ। क्या फायदा, आपने जब तैयार होना है सबने आप ही को देखना है, मुझे किसने देखना। फिर शुरू, चलिए जाइए। जाइए। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, सदा झील नू भी आया, चंद मुख मेहमान सी। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, सदा झील नू भी आया, चंद मुख मेहमान सी। रिश्मा ने रिश्मा ने ओ रिश्मा ने दूधिया जे पाई सी पोशाक, मारी तारिया नू हाक, ओता हो रही जहान सी। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, जलसा लगाया, जलसा लगाया, जलसा लगाया। प्यार वाले पिंड दिया मैक दिया जूहां, अगे संदली बरूहां ते बलौरी दहलीज है। प्यार वाले पिंड दिया मैक दिया जूहां, संदली बरूहां बलौरी दहलीज है। दिलां वाले कमरे च नूर होवेगा जी, हां जरूर होवेगा, के इश्क रोशनी दी चीज है। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, जलसा लगाया, जलसा लगाया, जलसा लगाया, काले रंग दा तवीत विच सांभे होए ने गीत, नी तू माही सरताज दे। सुनिया के तेरा काले रंग दा तवीत सांभे होए ने गीत, नी तू माही सरताज दे। होवे तां जे होवे सच्ची एहो जे ही प्रीत, ए मोहब्बतां दी रीत लोकी ऐसे नू नवाज दे। चांदनी ने पुन्ने आते जलसा लगाया, सदा झील नू भी आया, चंद मुख मेहमान सी। जलसा लगाया, नच लिया। हाँ जी, ठंड पै गई है। बिल्कुल जी, घर चलिए। नहीं पहले जब जलसा लगाया। अरे आ गया, अरे आ गया भैया, देखो टीवी आ गया। कछुआ की तरह चला रहा था, कहाँ रिक्शा वाला, 9 बजने वाला है देवर जी। कोई बात नहीं बहुजी। अरे समा समा समा। और आप लोग कहाँ ऊंट की तरह खड़े हैं, जाइए मदद कीजिए, और ये बाकी को ढूंढ के लाओ, जाओ। कहाँ चला गया लाल भैया? जिस दिन हम अफसर बन गए ना, फिर ऐसा ही टीवी घर में लाएंगे। अच्छा, लक्षण तो नहीं लग रहा है तुम्हारे, परीक्षा सर पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। एक बात गांठ बांध लो बिरजू, तुम हमारी तरह खदान में नहीं उतरोगे, ये बात पक्की है। अरे ठीक है, अच्छा। ये बिटिया रानी के आने के बाद हम सब लोगों को भूल ही गए। गद्दन भैया, हमरी भी इनसे यही शिकायत है। कुछ भी हाई टाई बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस को फूलों से ऐसा सजाना कि पूरा रानी गंज महक उठे। हाय राम, महाभारत के दिन भी पाप, थोड़ा डरो जी। बाबा भी पीते हैं, आजा। सुधरोगे नहीं आप, हमें यहाँ काहे बुलाए बाके। इसमें तरह तरह के फूल है सुनीता, जो दिल करे निकाल लो। हम समझ जाएंगे
तुम्हारे हृदय में हमारे लिए का भावना है। कड़ी में शकुनी ने बहुत ही गंदी चाल चली थी, देखना आज की कड़ी में पांडवों का अज्ञातवास पक्का डूब जाएगा। हाँ हमारे गुदुआ में बैठ जा। अरे हट रहे ए सुदामा, यहाँ के भोला बैठे, चलो हट रहे हमारी जगह से। दादागिरी मचा के रखे का बढ़ऊ, महाभारत कैसी देखोगे? चश्मा काहे नहीं लेके चलते हो सारा? अरे सुनो 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 सुनो, सभी लोगों से निवेदन है के कल सवेरे 10 बजे रेखा बिटिया के ब्याह के लिए बस रवाना होगी। सभी लोग टेम पे पहुंच के बस में अपनी अपनी सीटें लपक लें, ताकि टाइम पे रामगढ़ पहुंच के मुहूर्त के अनुसार रेखा बिटिया का ब्याह संपन्न हो जाए। पंडित जी और जोर से करो शंखनाद। यहाँ पे कैब लैंप चार्ज होता है। अच्छा अच्छा हाजिरी बाबू, कल से हमको नाइट शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, बात करता हूँ। प्रणाम हाजिरी बाबू। आज वो ओवर टाइम करेगा? जी बाबू। रेखा बिटिया का शादी का तैयारी हो गया? हाँ जी 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 जी, हो गई हो गई। बोला हूँ ना, चलिए चलिए, चलो जल्दी निकलो भाई, दूसरे शिफ्ट वाले खड़े हैं आगे। चलो निकलो, आराम से अमन, चलो। और पाशु भैया। चाचा बोलो, इसका वजन बहुत ज्यादा है, आदत डाल लो। चलो जेब में कवर तो नहीं है ना? हाँ एक मिनट, एक मिनट, क्या ये? चल बेटा टाइगर, कल सुबह मिलते हैं, खुदा हाफिज। कितना पिया? सिर्फ 3 पुआ। तुम्हारा अच्छा है, हार बजाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। बाबू आज बहुत ही कोला निकला है। अच्छा है, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उधर भी चेक करो। अरे उमर बाबू चेक कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो दादन। जा रहे हैं उमर बाबू, जा रहे हैं। यह भी चेक करो।
कौन सेक्शन से बोल रहे हैं? भाई साहब, हुई क्या? भाई साहब, पानी फूट गया है। चास्ताला? या अल्लाह। दादा, क्यों लो? अरे महावीर कोलियर में पानी घुस गया है, माइनर्स नीचे फंसे हुए हैं, वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से निकले तब ना। दिवाकर जी, गाड़ी हटा जल्दी, रेस्क्यू वैन निकालनी है। ठीक है साहब जी। आइए चलिए, थोड़ा गाड़ी को सरकाइए जरा। जल्दी जल्दी चलो चलो, और जोर लगाओ। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ, आगे बढ़ाओ, कीजिए जल्दी जल्दी, और जोर लगाओ। बस बस बस, चलो ट्रक को पीछे लो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी धक्का दो, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो। शाबाश शाबाश, जाने दो सबको। दिवाकर जी, साहब जी, ऑफिस जाकर डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करो कि हम महावीर जा रहे हैं। ठीक ठीक है साहब जी।
बड़ी दुर्घटना का कौन जिम्मेवार है? हमारे भैया सही सलामत तो है ना? पीछे पीछे कहाँ? पीछे पीछे उच्चार बंसी देवी का पति, ये लोग भी बाहर आ गए तो हमारा पति कहाँ है फंसा हुआ है? हमको अंदर जाने दो या फिर सांप को बुलाओ। पगला गया होगा, पीछे हट। ओए हंड्रक, जब घर का आदमी घर नहीं आएगा तो लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। कब से समझाने की कोशिश कर रहे सबको? ये वक्त इनको समझाने का नहीं, इनको समझने का है। ठीक? सॉरी सर। कोई कच्चू नहीं बता रहा है क्यों का हालत में, हमारी मदद कीजिए सर। सब अपन अपन बात कर रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है साहब। बताइए ना साहब, साहब बस हमको इतना बता दीजिए कि हमारे भाग्य और देवर जी कब बाहर निकलेंगे साहब। जी निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रयास? कैसा प्रयास? ढूंढना ही होगा, हम पहले ही अपने भाई को चस्ताला खदान में खो चुके हैं और अब वो आपको कहाँ चल दिए मुल्लू भाई करके? करे जुमा में दम नहीं है ना जवाब देने का। दुर्गा अबे कमजोर नहीं पड़ना है दुर्गा। भैया पानी ला जल्दी। बाबा ठीक तो है ना? यहाँ सब के सब बरगला रहे हैं हमें। सब पीछे हटिए, थोड़ा दूर हो जाइए, हवा आने दीजिए। ये पकड़ना बेटा, एक काम करो, ये हाथ मत। सबसे पहले तो आप लोग बुरा सोचना बंद करो। इस वक्त आपको हिम्मत रखनी होगी और मैनेजमेंट पे भरोसा भी रखना होगा। यकीनन हमारे उज्जवल सर आपके घरवालों को बचाने का उपाय ढूंढ रहे होंगे। कोई भी छुपकर नहीं बैठा होगा, हम सब एक ही परिवार हैं। इस मुश्किल समय में हमें एक साथ खड़े रहना है। ठीक? थोड़ी देर में आपको जानकारी दी जाएगी, निश्चिंत रहिए, सब सही हो जाएगा। गोरे साहब उज्जवल सर इंग्लैंड की कोयला खदान में साथ में काम करते थे, दुर्गापुर में कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, उज्जवल सर ने उन्हें सलाह के लिए बुलवाया है। मिस्टर उज्जवल, आई डोंट थिंक दे कुड बी अलाइव, देयर बी जस्ट डेड बॉडीज डाउन देयर नाउ। लेट्स गो। सर गांव वाले बहुत आक्रोश में हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं है सर। बैक डोर पे गाड़ी बुला लिया है सर। Do you have any rescue plan? Of course सर। जैसे ही नीचे जाने का रास्ता बन जाएगा, मैं DGMS के रूल का मुताबिक चार आदमी और स्ट्रेचर लेके नीचे जाएंगे और फंसे हुए माइनस को निकाल लेगा। ये तुम्हारा सोल्यूशन है बासु? सर सेफ्टी रूल्स इग्नोर करने पर ही ऐसे हादसे होते हैं। खतरे का बोले थे हम कासिम से, ये बोला खतरे से डरते हो तो खदान में काहे जाते हो? हमें कब बोला था? बोला था। इनको बोला होगा। एजेंट बाबू, ये वक्त एक दूसरे को गलत साबित करने का नहीं है, पर हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का है। सब बाहर परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि हमारा अगला कदम क्या है। ये कौन है उज्जवल? ये जसवंत सिंह गिल, GM ऑफ SP माइंस एंड अ रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर। सर कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? Was a relief to see you here. पर तुम्हें कैसे पता चला एक्सीडेंट के बारे में? मुझे सुपरिटेंडेंट बासु ने बताया। Thank God, तुम यहाँ आ गए। यहाँ चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। I'm totally numb. बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ। I really needed you, Gil. Don't worry, sir. We will overcome this. Thank you.
Brief me quickly. सर, ये महावीर कॉलियरी में 350 फीट नीचे 5 किलोमीटर में फैली नैनकोरी सीम है, जिसमें रात के 12 बजे की शिफ्ट में 232 माइनर्स ओवरटाइम कर रहे थे। ओ सर, ये 3 सेक्शन में काम चल रहा था। माइनिंग सरदार बेहरा के अंदर पैसे आनंद पांडे, वो थोड़ा कम सुनता है सर। सर, बेहरा के 65 माइनस यहाँ रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे। ए, चलो शुरू करवाओ ड्रिलिंग। और वहीं सालीग्राम नूर और बाकी लाल टोली एरिया में मेंटेनेंस कर रहे थे। 42 माइनस यहाँ पे कोयला उठा रहे थे हाईवे लाइन पे लाखन के अंडर में। और सर, यहाँ ददन के 94 माइनस कोर्ट लाइन में काम कर रहे थे। ब्लास्ट किस सेक्शन में हुआ? ददन के सेक्शन में। सर, प्रोडक्शन के प्रेशर में मैनेजमेंट ने 60 मीटर लंबा डेजर का ये पट्टा क्रॉस करके यहाँ ब्लास्ट करवा दिया। अब ये सीलिंग 70 साल से बंद पड़ी निंगा पिट से कनेक्टेड है, जिसमें कम से कम 1,00,000 करोड़ गैलन पानी भरा पड़ा था, और ये सारा पानी अब तेजी से नैनकोरी सीम में गिर रहा है। ददन के अलर्ट के बाद सबसे पहले किसके सेक्शन में फोन लगाया था आपने? बहिरा के सेक्शन में। साहब, वहां पर फोन का घंटिया लगातार बजते रहा, पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर क्या किया? हमने तुरंत हाईवे लाइन पे फोन लगाया। निकलो जल्दी वहां से सबके सब, कोर्ट लाइन में पानी आ गया, चासल हुई गुआ है। भागो भागो, पानी आ गया। फिर जब फिर से बहरा को फोन लगाया, उठा बहरा। पांडे ने फिर से फोन नहीं उठाया? उठाया, पर गोप ने, वो भी 20-25 मिनट बाद। हाँ, गोप भाग भाग, पानी आ गया, कोर्ट लाइन में चासल हुई गुआ है। जान बचा के भागो, चास्टाल हो गया। तो तुम्हारा कहना है कि वो लोग चाणक तक पहुंचे ही नहीं? जी सर, सबसे लास्ट ऊपर हम आए, लेकिन बहरा और उसकी टीम का कोई भी आदमी हमें आते हुए नहीं दिखाई दिया, पर हमने भयानक पानी आते देखा। कॉन्टैक्ट विद द मिसिंग माइनर्स? गोप से बात होने के थोड़ी ही देर बाद CDS सिस्टम भी फेल हो गया। कितने माइनर्स बाहर निकल पाए? 161 माइनर्स। मतलब 71 माइनर्स अभी भी लापता है, ठीक है ना? जी। 6 हाईवे लाइन के और पूरे 65 बहरा के सेक्शन के। ये देखिए सर, ये क्रॉस मतलब मर्क है। सर, उन लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा चाणक्य की तरफ आने का, बह गए होंगे सबके सब। उज्जवल, आई ऑल्सो अज्यूम ऑल आर डेड। सर, विद ड्यू रिगार्ड्स, अजम्पशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। ना किसी ने उन्हें मरते हुए देखा है, ना किसी को पता है कि वो जिंदा है। मरने और बचने की उम्मीद आधी आधी है। सर, हमें बचने की उम्मीद के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। यहाँ सर्वे ऑफिसर कौन है? गोपाल तो कांड होते ही भाग गया था सर। तो घर ही गया होगा ना, जाइए उठा के लाइए। जी सर। एक पंप से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 10 पंप से लगातार डीवॉटरिंग करनी होगी। और मैनेजर साहब, आप मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया, ठीक? और आसनसोल रेल विभाग को कहो कि इस लाइन से निकलने वाली हर ट्रेन की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए। आई रिपीट, 20 से कम होनी चाहिए, समझे? ट्रेन क्यों? थोड़ी गति लाइए मैनेजर बाबू, क्या कर रहे हैं आप? चलिए। बया लिहाजा कोल इंडिया की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। Yes, sir. Send the senior officers and DGMS team to the Mahavir Colliery immediately. जी जी सर, जी सर, सर वेरी सर, सर वेरी सर। Understand? उज्जवल ECL के डेडिकेटेड CMD ही नहीं बल्कि हमारे पुराने दोस्त भी हैं। जी जी सर। Go there, take full charge. Use all the resources and do the needful in the matter. यस सर, ऑफ कोर्स सर, आई एम ऑन माय वे सर। सर, गाड़ी निकाले। बहुत जल्दी है तुझे, दूध तेरा बाप पिएगा। सब हमने ही फोन किए थे महावीर कॉलेजी में, क्योंकि जब सुबह हम पैखाना गए तो निगाह पेट खुला देखा और ऐसी आवाज जैसे शिव जी की जटा से गंगा जी बह रही हो। सर,
सब पानी के इंटेंस प्रेशर ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उससे ये पुरानी पिट खुल गई है। भाई साहब ये इंक्लाइन की एंट्री कहाँ से? वाह टॉर्च देना, ध्यान से जाना गिल। इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है, इट्स क्वाइट डेंजरस है, और रेस्क्यू ऑफिसर्स को इन दोनों जगह से नीचे नहीं भेजना चाहिए। सर 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 थोड़ा जल्दी चलिए सर, वो गोवर्धन बाबू आ गए हैं, मामला बहुत अग्रेसिव हो गया सर। ये बोला रे तुम, डूब के मर गया हमारा माइनस, अभी हम तुमको दिखाता है डूब के मर रखी होता है। दादा मुझे माफ कर दो दादा। चुप, नई परिस्थिति में इतना इंटेंसिव टॉक करेंगे तुम? मारबो काने बाज में धोने, तुमको नीचे पिट में फेंक के दिखाता है हमारा माइनस डूब गया। हाँ छोड़ दे, नहीं माफ कर दो दादा, मुझसे निकल गया। गोवर्धन बाबू, गोवर्धन बाबू, आज से यूनियन और मैनेजमेंट का दोस्ती खत्म उज्जवल, अभी हम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोवर्धन बाबू नहीं, आप नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वक्त है, और हम इसे जितना बर्बाद करेगा उतना उनको बचाना और मुश्किल हो जाएगा। गोवर्धन बाबू सुनिए, सब बहुत स्ट्रेस में था दादा, गलती से मुंह से निकल गया। कायदा में रहो, नहीं तो नीचे से भी निकलेगा। सुनो जॉल, ये एक बंगाली का जुबान है, अगर हमारा आदमी को बचाने में थोड़ा सा भी निगलिजेंसी हुआ ना, तो तुम सबका माचिस का तिली बनाकर तुम्हारा एक कोयला का कंपनी को हम धुआं धुआं कर देगा, समझा? अभी हम एमएलए नहीं, एक मारकट्टा और यूनियन लीडर का हैसियत से बोल रहा है। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। I know this area like the back of my hand. दादा सर पे हाथ रखा। अरे always. दादा तुम तो जानो, पूरा 8 साल में इधर ही था, इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल करके बुलाया कि सीएमडी साहब का मदद करो, तुम आ गया। सर आई हैव अ फुल प्रूफ रेस्क्यू प्लान फॉर यू। हमको पता चला कि निंगा का अबंडेंट खुल गया, हम वहाँ से रेस्क्यू ऑफिसर सुनी चाहिए। आपके सारे माइनर्स को मैं निंगा पिट से ढूंढ के निकालेगा, प्रॉमिस। तुमसे यही आशा था? सर जरूर हमारे परिवार वालों को बचा लेगा। ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर उपाध्याय को बुलाओ तुरंत। ड्रिलिंग करके फायदा क्या होगा सर, नीचे तो लाशें ही मिलेंगी। बिल बनाएंगे ना बोका। सब सब एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये बाजरों का स्टेट है, यहाँ सब कुछ लेट हो सकता है, किंतु राजधानी लेट होगा ना तो डिवीजन से इंक्वायरी आ जाएगा, समझा? सर हमारा बात सुनो, माइन में पानी जाने से पूरी जमीन ढीली हो गई है, अगर ट्रेन तेजी से गुजरी तो पूरे एरिया की जमीन धसने का खतरा हो जाएगा वहाँ। आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन, किंतु डीआरएम का परमिशन चाहिए। हाँ, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम होता है, परमिशन ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। एक मिनट, अरे परमिशन लेने में महीनों लगता है, ये एक मिनट बोलता है। नॉनसेंस। स्टेशन मास्टर साहब को गोवर्धन बाबू के माइनर्स की जान से ज्यादा राजधानी के टाइम की फिक्र है। जाइए गोवर्धन बाबू को बुलाइए। क्या वही आके इनसे बात करें? अरे अरे हेलो 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 बोलो, सुनो सुनो हमारी बात तो सुनो। अरे गोवर्धन बाबू को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू बंधु। हेलो 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 सर, फोन गोवर्धन बाबू को दे रहा हूँ मैं, समझाइए उनको, ये लीजिए। अरे उनको समझाने की क्या जरूरत है? हम समझ गया, आपको 20 का स्पीड चाहिए था ना, हमने दोष कर दिया। हैप्पी दादा, गोवर्धन बाबू को बता देना हमने खोल दिया है। भालो दादा, सरदार जी को उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सर, सर आप जानते हैं निंगा पिट से एंट्री पॉसिबल नहीं है। सर
सेन हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर से आया है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। हाउ? आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। यही साहब लोग बचाव कार्य करने का मंजूरी देंगे। डीजी सर, अब तक मेन लाइन तो पानी से भर चुका होगा, और अगर ये 71 माइनर्स अभी भी नीचे जिंदा बचा है तो अपने वर्किंग एरिया के आसपास ही फंसा होगा, है क्या नहीं? राइट सेन गुप्ता? एकदम ठीक दादा। निंगा ओपन पिट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस टू देम। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ये पानी का बहाव धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और मेरे रेस्क्यू ऑफिसर्स ये बास्केट के साथ नीचे उतरेगा और माइनर्स को ढूंढकर बाहर लाएगा। वेरी सिंपल, राइट रॉय? सिंपल दादा। हाँ तो चलो चौक पकड़ो। गिल सर, नीचे 71 माइनर्स में से कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जो उन्हें सिखाता है कि अगर माइंस में पानी भरने लगे तो माइन के ऊंचे पॉइंट पे जाकर रेस्क्यू का इंतजार करें। और मुझे यकीन है कि ये माइनर्स अपने वर्किंग एरिया से निकलकर माइन के ये ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे, और हम जमीन पे सर्वे के जरिए नारायणपुरी का हाईएस्ट पॉइंट स्पॉट करके वहां 8 इंच का एक पायलट बोर होल करेंगे। एंड वंस वी लोकेट देम, उसके बाद 29 इंच का बोर होल करके उसमें से एक लोहे की कैप्सूल नीचे भेजेंगे और एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर निकाल लाएंगे। गिल, ये जो टेक्निक है ये पहले किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ है? नो सर, भारत में कैप्सूल से रेस्क्यू पहली बार होगा। Isn't it being overly optimistic? I don't see any harm in that, sir. सरदार जी, who are you? सर मैं फॉरगेट, कहाँ से? SP ओपन कास्ट माइन से हूँ सर। तब तुम इधर का नहीं है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है, इस एरिया के कंडीशन का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। सुनो, आई नो दिस एरिया लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। He's right. हम एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर, टाइम को तो हाथ से निकलना ही है, बस देखना है कि निकलते निकलते बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरे पे खुशी के आंसू है या दुख के। और सर, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस हादसे के अंदर आपके बच्चे होते तब भी आप एक ही ऑप्शन ट्राई करते? आई टोटली बाय योर इमोशनल सेंटिमेंट्स, पर सेन का प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है। हमें हमारी रिसोर्सेस, एनर्जी और मैन पावर एक ही रेस्क्यू मिशन में लगानी चाहिए। सर, कोल इंडिया के पास मैन पावर और रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। उज्जवल, गिल इज अ जूनियर ऑफिसर, हिज फेलियर विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट अपॉन योर लीडरशिप। कोई भी कॉल लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना तुम। Have faith in this plan. ठीक है, आप दोनों अपना अपना रेस्क्यू प्लान शुरू करो। गुड लक। थैंक यू सर। मुझे दो आदमियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्रिलिंग इंजीनियर, जो अलग सोचता हो और अलग करता हो। जुगाड़ू बिंदर। मलिक फोन है, कोनो उज्जवल साहब है, अर्जेंट बता रहे। ये चलेगा बच्चे? अम्मा आप खुश हो? फोन दे। हाँ उज्जवल बोल। दूसरा कौन? तपन घोष। वो एक सर्वेयर? जी। वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा? हम तुम्हारा हेल्प दादा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वो 71 माइनर्स का नहीं, उनके घर वालों का भी है। तो हमारे परिवार का क्या होगा? दुर्गापुर का एक्सीडेंट हुआ तो कोल इंडिया ने सारा जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दिया। बोला कि सर्वे ठीक नहीं हुआ था। उस ऑफिसर को ये नहीं मालूम था कि पत्थरों के नीचे मीथेन गैस बन रही है।
Till today, I am running from pillar to post for my dues. My gratuity, mera PF, sab rok liya. Quarter se bhi nikal diya. Aur court case chale, wo alag. Tapanda, aapka madad ke bina hum aage nahi badh sakte. क्योंकि जब हमने गोपाल के साथ महावीर कॉलोनी के सर्वे मैप को स्टडी किया तो ये देखा। मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए, इसमें खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट तो शो कर रहा है, पर ओवरलैंड की डिटेल्स मिसिंग है दादा। तो? आपने 8 साल पहले महावीर खदान का ओवरलैंड सर्वे किया था, मिनरल एक्सप्लोरेशन भूल गया साहब। निकले यहाँ से। तपनदा, झूठ बोल रहे हो कि आप भूल गए हो? ये पागला से जा। दादा। सर, मैं सोच रहा था निकले तो मैं निकलने की बड़ी जल्दी है। दादा सुनचैन, तुम ही प्रॉमिस करबे अमर पोती का डीयू क्लियर करोगी तुम कंपनी से? करता है प्रॉमिस। बोलो बोलो बोलो, उत्तर दाओ। नहीं बोलेगा ये। मजबूरी में किए गए वादे अक्सर झूठे साबित होते हैं भाभी जी। हाँ, मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आपके ड्यूज दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश। निकलो। बाबा आशीर्वाद दीजिए। ओंदा रे। चेष्टा करो। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे मैं हाथ जोड़ कर नहीं करेगा। अरे माथा खराब ना की, घुसते ही चाहिए ना। बस कर मेरी माँ। आ रहा हूँ मैं सरदार जी। जल्दी जल्दी चलते रहो। रुको रुको, आगे नहीं जा सकते। भाभी लगता है सरदार जी ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। थोड़ा बाएं। लाइट के पोल लगाओ जल्दी। ततन भैया, ये दुर्गा और बिरजू कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मा वो सरदार जी वाला मंडली कहाँ कर रहा है? अरे ढोंग बिटिया ढोंग। अरे हम पूछते हैं 8 इंच के छेदवा से क्या होगा है? इसे कहते हैं बचाव कार्य। सौभाग्य की बात है, हमारे बंगाल टाइगर। बजरंगबली की दिखा दो दुनिया को। निकाल ले। ओके सर। उठाओ, उठा जल्दी जल्दी। ये दोनों तो बाहर आ गए। कभी क्यों समझ में नहीं आ रही है। क्यों कुछ पता नहीं। अब क्या होगा सरदार जी? इस मार्किंग के मोटा मोटी 170 फीट नीचे माइन का हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ?
तपंदा जी, 100 मीटर के रेडियस में 29 इंच का बोरहोल करना है कैप्सूल के लिए। आप पॉइंट ढूंढ लीजिए। गिल, तुम्हें लगता है अब तक वो लोग बचे होंगे या नीचे पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे? सर, इसी उम्मीद से तो हम सब मेहनत कर रहे हैं। भरोसा रखो। तेज है और 6-7 घंटा में यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊंचाई वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं, वहां तक पानी भरने में 2-3 दिन लग जाएगा। तब तक मैनेजमेंट वाला हमको ढूंढ ही लेगा। अरे 8 घंटे से ऊपर हो गया है, अगर कोई हमें खोज भी रहा होगा तो पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा है और यहाँ है? अरे सब का सब छछूंदर की मौत मरेगा यहाँ, देख लेना। सही बोला। ससुराल उस सीजे फोन में भी बंद हो गया है। एक रीचा, जब ऊपर से चेतावनी आ रहा था तो ये बहिरा, ये पागल, अबे सही समय पर बता देता तो हम सब लोग बच के निकल जाते। अब सबका जल समाधि यहीं लगेगा। हम बूढ़ के मरने से अच्छा ना इसको यहीं गाड़ देते। तो छाती फाड़ देंगे रे बुढ़ाऊ। हो गया जो होना था तो हो गया। बहिरा जानबूझ के थोड़ा ही किए। अरे पिछवाड़ा हमरा भी बट रहा है तो क्या ऐसे ही सुसुआने लग जाएं? भाई लोग, हम जब जान गए कि बचना मुश्किल है तो ऐसे ही जान दे दे बिना लड़े। बोलिए। अरे तुमरा लोग का घर पे सब इंतजार कर रहा है कि नहीं? हमारी बात सुनो चाचा। अरे हम सबको बिटिया की शादी में जाना है, वहाँ ऊपर फूलों से सजा बस हमारा इंतजार कर रहा है। बिटिया की सोचो चाचा। सोच लिए हैं, मर गए तो जोरू को 5 लाख रुपया मिलेगा। अरे बौरा जैसा बात मत करो। हाँ हाँ, तुम तो बहुत सयाना वाला बात कर रहा है ना। जब रात होता है ना भोला, तो कुछ को अंधेरा दिखाई देता है और कुछ को टिमटिमाता तारा। सब सोच का ऊपर है। ए पासु, पासु, किसको पता है उसे बचाने का रास्ता? हम ले चलेंगे। ए देखो, ये हुई ना करेजे वाली बात। उठो, चलो उठो। अरे उठो ना साहब। ऐसा बात, अपना अपना हौसला बुलंद रखो। और सुनो सुनो सुनो, आधा लोग अपना बत्ती बुझा दो, बैटरिया बचा के चलना है भाई। और बांके जी, मेडिकल वाला बक्सा लेकर आओ बेटा। जी चाचा। ऐ सालीग्राम, मुंह तो खोल दिए हो, अब यो बता दो कि ऊपर लेके कैसे जाओगे, कौन रास्ता? पिलर नंबर 23 से वही एक रास्ता है, 23 नंबर पिलर। चलो आओ सारे के सारे। बुड़बक, ये बुड़बक को देखो, ये बन रहा है विक्रम, हम सबको बनाएगा बेताल। अरे क्या कंधे पे लाद के ले जाएगा पानी में। अरे कौन सा पानी? पानी है, पानी वहाँ बीच में बह रहा है। चुप रहे, मैं बताता। क्या बताओगे? ये देखो, पानी फटा यहाँ, अब पानी जा रहा है यहाँ से अचानक की तरफ। हम लोग है यहाँ, समझे तुम लोग? और खान का हाई पॉइंट है यहाँ ऊंचाई वाला। अभी सालीग्राम बोलता है कि पानी पार करके जाएंगे यहाँ, कैसे ले जाएगा रे? ये सही बोल रहा है क्या? हम पहले ही कहे थे रंग रास्ता पकड़े इस सालीग्राम ससुरा। हम कहते थे, हम कहते थे आपको खदान में काम नहीं करना है। अरे मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। कुछ नहीं होगा, आप ही होंगे। अरे कुछ नहीं होगा तुझे। हम है ना, मरना नहीं चाहते चाचा, मरना नहीं चाहते। अरे हम जिंदा है अभी। हाँ, जिंदा हो तुम सब। देखे ये पीशू और शालीग्राम का हालत का हुआ था चाणक पर जाने से। बाल बाल बचे हैं ये, यहां हो तो जिंदा हो, अगर ऊपर कोई भी गया
तो स्वयं यमराज को न्योता दे रहे हो, जान लो तुम। मैनेजमेंट की टीम भी बचाओ टुकड़ी भेजेगी ना, तो भी यही भेजेगी। सही बोल रहे, सही बोल रहे। नहीं जाएंगे हाईएस्ट पॉइंट पे। सिगरेट कम कीजिए, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। बिंदल, कब तक? 6-7 घंटे में पंचर कर लेंगे, तू टेंशन ना ले। 8 इंच के पाइप को अनलोड करवा जल्दी। निर्दोष जी, कल 5:30 बजे आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। हम यहाँ से निकल पाए तो आपको घर से पिक कर लेंगे, वरना दिवाकर आ जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, और दिवाकर की भी कोई जरूरत नहीं है, हम गाड़ी चला लेंगे। आप बिल्कुल ड्राइव नहीं करोगी, डॉक्टर ने कहा आप ड्राइव नहीं करेंगे। डॉक्टर ऐसे ही डराते रहते हैं। पिंड में औरतें सुबह खेत में काम करती हैं, शाम को डिलीवरी करती हैं। अच्छा ठीक, एक मिनट रुकना। जोधपुर वर्कशॉप के गोराजी को मैसेज भिजवाइए कि कल अपनी टीम के साथ सुबह रेडी रहे। जी सर। निर्दोष जी, कल हम दिवाकर को भेज देंगे, ठीक? अच्छा जी। समय है नहीं, पास कांड हो जाएगा बहुत बड़ा। घबराओ नहीं, हम बात करते हैं। सुनो भाई लोग, पानी 22 नंबर पिलर तक पहुंच गया है। अगर हम लोग अभी यहां से नहीं निकले तो 23 नंबर गैलरी में भी भर जाएगा, और उसके बाद हम ऊंचाई वाले पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदा रहने का आखिरी मौका है ये, समझ लीजिए। भाईजान सही बोल रहे हैं, शालिग्राम सही बोल रहा है, हमें जाना चाहिए। ये भोला, चलते हैं। बस सही किए यहाँ पर आकर, हम बता रहे हमको अब भी तुम पर भरोसा नहीं है। हम इन लोगों खातिर यहाँ है, समझा? पार कर लेंगे, घबराओ मत। गस के बांधा है ना सबने, का पाइप लगा देंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। सामने तो काम बंद कर दिया। साहब, साहब, वहाँ 8 इंच का बोरहोल हो गया। तो मैं कहना अच्छू, भाग यहाँ से। खदान वाला जूता कहाँ गया तेरा? बेच दिया है। काहे? घर में पैसे की जरूरत थी। अबे माके,
मेडिकल वाला बक्सा ला बेटा। लाया चाचा। बाकी डिटोल थोड़ा कम लगाना। क्या किसी और को भी जोत पड़ सकता है भाई? कारे पासु, यह मैनेजमेंट है तुम्हारा। मेडिकल बॉक्स में दवाई का बोतल खाली, यह हम लोग को खोजेगा मैनेजमेंट। कारे, अरे खुद तरह मैनेजमेंट की, मरोगे सबके सब, कोई नहीं बचाने आएगा। स्पीकर आया नहीं अब तक। कोई बात नहीं, टॉर्च चला। टॉर्च काहे भेज रहे नीचे? क्या लगता है, मिल जाएंगे? मैं सोच रहा था गो ध्यानेश्वर मुरली आवाज दो, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो टॉर्च के पास आओ। कोई है? शालिग्राम कोई है? रंजीत किसी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? मुरली विष्णु सुदामा किसी को मेरी आवाज आ रही है तो लाइट के पास आओ। चलते रहो, हाई पॉइंट आने वाला है। मैनेजमेंट पक्का हमारा वो इंतजार कर रहा होगा। आ जाओ आ जाओ। बाकी लाल गोप आवाज दो, कोई है? है सालिग्राम, चलने का हिम्मत नहीं बचाया। आओ कितना दूर है? बस थोड़ा और पहुंच रहे। बस आवाज दो अगर कोई है तो। पाशु किसी को आवाज आ रही है? आवाज दो। और कितना चिल्लाओगे भैया? पाशु देखा नहीं मिल रहा नीचे से। खेला समाप्त है भैया। क्या हो गया? नूर मुरली किसी को सुनाई दे रही आवाज मेरी? आवाज दो। कोई है? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो लाइट के पास आ जाओ। कोई है? तुम तो कह रहा था मैनेजमेंट इंतजार कर रहा होगा। शांत रहो, ये खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यही हम सब लोग इंतजार करेंगे अब। सही भाई लोग, जल्दी ही मैनेजमेंट वाला हम लोग को ढूंढ लेगा। तब तक सब लोग बैठ जाओ। बैठो सब, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। आराम कर लो। गोप धनेश्वर आवाज दो, बंसी नारायण रंजीत शालिग्राम लाइट के पास आओ। कोई है? आवाज दो, कोई है? हेलो, जवाब तो दीजिए, बड़े सवाल। यस सर, नेगेटिव रिजल्ट फ्रॉम बोथ द टीम सर, एंड अनफॉर्चुनेटली नाउ देयर इज नो होप। यस सर। ओके
Considering the present situation, the chairman has decided to stop the rescue operation. Tragic hai. Tragic. But the fact is, agar miners zinda hote, to unhe highest point tak aane se kaun rok sakta tha? Aap bataiye. Sardar ji. Sir ji, ek minute bar aaiye. Please. ये कौन सा नया कॉन्फ्रेंस चल हो गया? पक्की बात। सैन साहब आप सही कह रहे हो। अगर माइनस जिंदा हैं तो उन्हें हाईएस्ट पॉइंट पर आने से कौन रोक सकता है? हाँ, स्टॉपेज वॉल रोक सकती है। सर 12 साल पहले मैंने यहाँ का सर्वे करके दो लोकेशन आइडेंटिफाई की थी स्टॉपेज वॉल के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पर। जी जी सर, इस वाली वॉल की डिटेल्स तो है लेकिन इस वाली वॉल की डिटेल्स मिसिंग है। सर देयर आर ब्राइट चांसेस कि इस एरिया में वॉल हो और वो लोग हमारा वॉल की दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हो। सर मुझे एक और बोरहोल करने की परमिशन चाहिए। सरदार जी, कोल इंडिया का पैसा पानी की तरह मत बहाओ। बिल बना के पैसा बनाने का तरीका बहुत गिल, अगर स्टॉपेज वॉल है भी तो वो लोग इसे तोड़कर आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि ढलान है, ढलान का वजह से पानी चाणक की तरफ लपका। पर चाचा, इतना सारा गैलरी है, पानिया वहां कहा नहीं गया? अरे लल्ला, इतना सारा ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर कहा हो जाएगा रे? हैं, सब लोग अपना अपना देवी देवताओं को याद करो, उसी में भलाई है। माके, हमरी सुनो, कोयला निकालने के बाद गैलरी में ईटा का एक स्टॉपेज वाल खड़ा किया जाता है ताकि ऑक्सीजन बर्बाद ना हो, इसलिए समझे? दीवार, ये सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है, ये बासू स्टॉपेज वॉल है, ईंट की दीवार है, हम लोग गलत जगह इंतजार कर रहे हैं भाइयों। क्या बोल रहा है? सेंसर, अच्छा तुझा गरम दूध लेके चल। जी सर, मेरा पीए बता रहा है महावीर कोलियारी के पिट नंबर 1 में 6 माइनर्स की लाशें दिख रही है। व्हाट? बताओ सरदार जी, तुमको अभी भी लगता है कि लोग जिंदा है? उज्जवल, वी ट्राइड द बेस्ट बट इट वाज द डेस्टिनी। करेक्ट उज्जवल सर, भगवान का शुक्र मनाओ, 71 लोग थे सिर्फ, चाशताला की तरह 200-300 लोग नहीं थे, है ना? सर मुझे लगता है हमें गिल को एक और बोर होल्ड करने की परमिशन देनी चाहिए। की बोल जिस तुम्हें उज्जवल, डिसीजन हो चुका है, आप प्लीज ऑफिशियली अनाउंस कर दीजिए। कुछ तो बोली, बताइए ना। उठा रे, जल्दी उठा, चल 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 चल। और जोर से, और जोर से। क्या हुई दोबारा? ए पासु, क्या दिखा? बोल ना। अरे मैनेजमेंट वाला ढूंढ रहा है हमको, टार्च भेजा है उधर। जाना काले, सब बोलो ना। कुछ पता चला उनके बारे में? जवाब क्यों नहीं देते? बताइए ना बड़े साहब। साहब आपने कहा था आप कुछ करेंगे, साहब बोलो ना। बोलिए साहब। उसे नहीं रोक पाएगा। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बड़े साहब कहाँ हो गया? बताइए ना सरदार जी। वो बच सरदार जी, आप कुछ तो बोलिए ना। अरे बोलिए ना कुछ, बताइए ना। देखिए हम आपके परिवार वालों को नहीं ढूंढ पाए। बोलो साहब,
कंपनी का आदेश है, इसलिए हम ये बचाव कार्य बंद कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। आ जाओ भाई लोग, चलो, अरे चलो चलो जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। इकामदारी का खेल चल रहा था। सुबह सुबह मुझे क्या बुरी खबर सुनने में आ रही? और ये जसवंत सिंह गिल है कौन? He is nobody, sir. तो तुम्हारे इस nobody ने बाकी के 65 minors को ढूंढ लिया? Is that what you're saying? Minors को ढूंढना is only 10% of the rescue operation. गिल की प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उनको जिंदा और सेफली बाहर निकलना is the real rescue operation, sir. Gill's 29 inch bore will not work, sir. Better for you, sir. और ध्यान रखना, sir. उज्जवल की कबर खुद ने भेजा था तुमको, उसकी जगह कहीं मेरी कब्र मत को देना तुम। भेज दो दवाई नीचे, बहरा के लिए दवाई भेज रहे हैं। सर, ये सब करना भी जरूरी है क्या? माइनस नर्वस आ गए तो? यही सही वक्त है, उन लोगों का भी खाने पीने में ध्यान होगा। ये लालटेन का है लेके जा रहे हैं? बिटिया, ये लालटेन नहीं, डेविस लैंप है। अगर खदान में जहरीला गैस बन रहा हो तो इसी से जांचते हैं। पाशु, ध्यान से सुनो। जी सर। ठीक है। लैंप, ये लैंप कहाँ भेजा रहे? अरे क्या गैस बन रहा है क्या? क्या बोले? क्या बोला? गैस? गैस? अबे डरा कह रहे हो लोगों को भाई? जनरल पिकासन है, पता तो है सबका, है कि नहीं भाई? लोग वही चौंक रहे सब। लो पकड़ो, लो देख कर आते।
ढीले नहीं होने चाहिए, उतार के जाना। जहां से गैस का पता चले वहां से पिलर पर नंबरिंग शुरू कर देना। खतरा नहीं है, पानी और गैस तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ। गैस कितने पिलर दूर है? अरे नहीं साहब, उसका टेंशन की जरूरत नहीं है, हम सब तो डीसीओ बाहर उतरे हैं खदान में। क्यों भाई लोग? कौन सा गैस बन रहा है? हाँ? मीथेन? नहीं साहब जी, फल फ्रूट तो है यहाँ। कार्बन डाइऑक्साइड? सही पकड़े हैं साहब जी, बस समोसा और जलेबी भिजवा देते तो मजा आ जाता। सर यहाँ माइनर्स हैं और यहाँ रेस्क्यू बोरहोल स्पॉट। डीजी सर, पाशु के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी 20 पिलर मतलब सिर्फ 3000 फीट दूर है माइनर्स से। सर ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है और जिस रफ्तार से पानी और गैस बढ़ रहा है हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इन माइनर्स को बचाने के लिए। What? Then start immediately, Gil. पाजी, 29 इंच का बोरहोल करने में कितना वक्त लगेगा? 3 स्टेजेस में करना पड़ेगा जी, 8 इंच, 12 इंच, फिर फाइनली 29 इंच। अप्रोक्सीमेटली 40 घंटे लग जाएंगे। ये तो बड़ा कट टू कट हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? मतलब पूरे बंगाल में 8 इंच से बड़ा ड्रिल बिट नहीं है, फिर ये बिंदल साहब 12 इंच 29 इंच का बोरहोल कैसे करेगा? लोड ना लो जी, जल्दी करता हूँ। तो पेशवा, आप हम पर डाउट कर रहे दादा? कितना पुराना एसोसिएशन है दादा हमारा, अब भूल गए? ये सरदार जी का माइनर्स को कैप्सूल से निकालने का आइडिया सेफ नहीं है। अच्छा, तो तुम कैसे निकालेगा? बहुत ही सिंपल है डीजी सर, ये देखिए सरदार जी यहाँ से रेस्क्यू अटेम्प्ट कर रहा है। करेक्ट। और हम इधर से इंक्लाइन काट कर माइनर्स तक पहुँचेगा। कैप्सूल से एक एक आदमी ऊपर आएगा और हमारे इंक्लाइन से सारे माइनर्स एक साथ चल कर ऊपर आएगा। सर थोड़ा टाइम लगेगा पर सेफ है सर। आई एग्री। गिल को अपना काम करने देते हैं। यू टू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है? यस। ठीक है गोवर्धन बाबू, चार बाबा ठीक तो है ना सब? बताइए ना सरदार जी, एक बार उनसे बात हो जाती तो। बेटा सबकी बात होगी, पहले डॉक्टर नीचे दवाई तो भेज दें। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घर जाएं और आराम करें। हम लोग खड़े हैं ना यहाँ? हम सब यहीं खड़े रहेंगे आपके साथ। हमको माफ कर दीजिए, कुछ समय हमसे इतना बड़ा गलती हो गया, आपको झापड़ मार दिए। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, आपकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही कुछ करता। माफ कर दीजिए साहब। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को, जीतेंगे
जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे दावा है जीतेंगे वादा है जीतेंगे हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे अपनों से अपनों को महावीर माइन की एक्सीडेंट की वजह से बहुत जगह ऐसे ही जमीन धंसा है और कोई रास्ता नहीं है इसीलिए घर तोड़ रहे हैं सबके लिए सोचते हैं तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे तो हाथ छोड़ना मत जज्बात तोड़ना मत हम तूफानों में बनके फौलाद चले तो जीतेंगे मैं सोच रहा था दादा ये 12 इंच का जुगाड़ ब्लेड अगर टूट गया तो सरदार जी का रेस्क्यू ऑपरेशन तो टोटल फ्लॉप तुम बचपन से मनुष्य हो या ये ताजा इन्फेक्शन हुआ है जल्दी हाथ चला बच्चे सर गैस 6 नंबर तक पहुंच गई है शुरू कर ब्लेड जमीन को काट रहा है 150 फीट तो मक्खन की तरह हो जाएगा गुड जॉब बिंदल क्या हुआ बिंदल गलती हो गई गलती मतलब ये मेरी वाली क्रेन यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि ये क्रेन सिर्फ 110 फीट की है और कैप्सूल को ऊपर नीचे करने के लिए 150 फीट की हम लोगों को 12 टन वाली मार्शल क्रेन चाहिए मिल जाएगी कहां से सेन की साइड पे फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व रब राखा जी उधर स्थिति गंडोगोल है सर इस इंक्लाइन से हम माइनस तक जल्दी पहुंचेंगे सर खोदते खोदते अचानक ये पत्थर आ गया इसलिए हम काम बंद रखा है हाँ सर हमने सोच लिया सर उस पत्थर को हम ब्लास्ट से उड़ा देंगे उल्लू मत बनाओ यार वैसे क्लियर पूरा गांव धस जाएगा पता है ये उज्जवल को रिप्लेस करने का तुम्हारा जो एम्बिशन है ना इस एरिया का सीएमडी बनने का ऐसी सोच से फुलफुल नहीं होगा सेन सर डोंट माइंड सर इस बार प्रमोशन का नंबर हमारा था हमको बाईपास करके उज्जवल को सीएमडी बना दिया गया और सिर्फ इसीलिए कि उसे इंग्लैंड की खादानों में काम करने का तजुर्बा है और सिलेक्शन कमेटी ये भूल गई हम भी इंग्लैंड में पैदा हुआ है हमारे पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है सेम एज उज्जवल मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पब्लिक को लगना चाहिए कि हम सिंसियरली बचाने में लगे एक्चुअली इसका रिजल्ट शून्य है टेरेबल ट्रेजेडी यूजुअल टेरेबल यू मस्ट बी गिल आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू आर यू श्योर आपका ये रेस्क्यू प्लान वर्क करेगा जी नो सर यहाँ की जमीन इतनी नरम हो गई पूरा गांव धस जाएगा देखिए अभी से धस रही है Sen is right, Ujjwal. Sardar ji, 8 साल हो गया हमको इस एरिया में. I know this area. और मुझे यहाँ आकर 24 घंटे हुए हैं, and now I know this area like the back of my hand.
सर जमीन सिर्फ 25 फीट तक ही नरम है, उतने पोर्शन में हम ये केसिंग लगा देंगे जो 8-9 घंटे तक जमीन को धसने से रोकेगा, और उतने वक्त में हम माइनर्स को आराम से बाहर निकाल लेंगे। इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। सैन, डिस्कशन होना चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सैन, हमें तुम्हारे वो 150 फीट वाली क्रेन की जरूरत पड़ेगी। कम ऑन उज्जवल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सैन, कंसीडर इट डन सर। उज्जवल, आफ्टर ऑल वी आर बैटिंग फॉर द सेम टीम। अच्छा सोचते हो तुम। गेल, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर। Let's go, Sen. जी हाँ सर। सर, समथिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंस। वो जर्मन टेंडर याद है? वो 108 करोड़ का कोल हैंडलिंग प्लांट, वो सिर्फ 80 करोड़ का था। इन दोनों का 28 करोड़ का घोटाला मैंने रोका था, अब इनको मौका मिला है तो दे आर ट्राइंग टू पुट मी डाउन। डोंट वरी सर, दिस टाइम आल्सो दे वोंट सक्सीड। आई सर, तुम इसे नोबडी कह रहे थे। सैन, अगर उसका प्लान फेल हो गया तो फायदा हमारा है, लेकिन अगर उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मेक श्योर क्रेडिट हमें मिले। ऐसे होगा सर। आराम से दी, आराम से। मिस्टर गिल के इस एडवेंचर से आपको तो बहुत स्ट्रेस होता होगा, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। कोई स्ट्रेस नहीं है जी, जब से शादी हुई है मैं जानती हूँ कोल इंडिया गिल साहब की फैमिली है जैसे मैं हूँ, और फैमिली में जब भी जहाँ भी स्ट्रेस आएगा गिल साहब पहुंच जाएंगे। आपके लिए तो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होगा। नहीं, माने कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन और पहला डिलीवरी यहाँ रानीगंज में था, पर अब ऐसा क्या नहीं है वहाँ जो आप यहाँ रानीगंज कोल माइन की दुनिया में आ गई। मेरे गिल साहब। ये लीजिए, साहब का फोन भी आ गया। क्या कहा डॉक्टर मैडम ने? कह रही थी गिल साहब को कहिए कि बीवी की इतनी केयर करने से ना बीवी बिगड़ सकती है। अच्छा जी, दवाई विच कोई चेंजेस ले आए ने? नहीं जी। गिल साहब जी, नीचे आपके माइनस ठीक है ना? हाँ जी, सब चंगा है जी। पानी और गैस तो दूर दूर तक नहीं है। आराम चाहता। क्या हो गया भैया? मार डालूंगा। काहे मार रहा है? अरे थोड़ा हाथ से छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़, हमको छोड़। रह गया क्या बे? ये झूठा मैनेजमेंट का दल्ला हम सबको झूठ बोला रे। हम खुद अपने आँख से देख के आए हैं। अरे गैस बन रहा है, वो भी कार्बन गैस। हम सब के सब फड़फड़ा के मरेंगे बे। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब वो बखत आ गया है कि मैनेजमेंट पे अब चढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ बोला, ठीक बोल रहे हैं। कब होगा भाई? बोला बात सुन, बात सुन। काय बवाल बता रहा? बोला शालिग्राम हट तू। ए पशु, पशु हमरे सर पे ना काली मार चली। बोला तू समझ नहीं रहा है? देख तो हट जा। अरे मैनेजमेंट का चमचा। बोला बात 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 सुन। बोला हेलो, हम भोला बोल रहे हैं। हमको पता चल गया यहाँ गैस बन रहा है। हमको साहब से बात। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोला गया का? हमको साहब से बात कर रहा है। जब मैनेजमेंट हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, तू कहे अपने सालिग्राम? ये मोहिला मैनेजमेंट का बात करना बंद कर दे। अरे सुन, छोड़ छोड़ छोड़। तू रहा है कुत्ता, तू रहा है हमसे। तोरी मैया का भाग में। अबे पगला के का शादी में हाथ उठ रहा था? गजब हो गया। बोला की चटदार तू देखा पास। आराम से उठ। उठ, हमको धक्का मारा। तुम लोगों पर पायल पुत्री करेगा कासिम। सर, माइनस को पता चल गया किसके बारे में। क्या? नमस्ते सर। नीचे से शिकायत आई है कि आप लोग घर से चटपटा खाना नहीं भेज रहे। अच्छा, क्या हो रहा है ये? वो डॉक्टर लोग मना किए थे ना। अरे हमने उनको समझा दिया है, वो मान गए हैं। अब घर जाइए और फर्स्ट क्लास खाना बना के लाइए। हम हलवा लाऊंगा, आप भी खाइएगा। मैं भी खाऊंगा। कचौड़ी बना के लाएंगे।
कैसन हो आप सब लोग? क्या नया है? मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। आप ही की तरह एक मरकट्टा हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी साहब, सुनाई दे रही है आवाज। जी साहब। देखिए, आप लोगों को थोड़ा साहस रखना होगा ताकि हम आपको आपके घर वालों से भेंट करा सके। सुन लो, मैनेजमेंट का एक और नया टट्टू झूठी कहानी सुना रहा है। बकैत कहीं सारे माइनर्स और भोला सुनिए, पाशु ने हमारे कहने के कारण ही आप सभी को झूठ बोला है। अगर गैस के बारे में पहले से ही बता देते तो आप सभी का चेहरा तो टेंशन से फूल जाता। और आप सभी जानते हैं, फूला हुआ तो सिर्फ पूरी अच्छा लगता है ना, वो भी हलवा के साथ, मरकट्टा लोगों का चेहरा नहीं। भतोले पास है कि नहीं? देखो, हम लोगों को आपकी मदद चाहिए ताकि हम आपको सुरक्षित बाहर निकाल सके। और आप सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हौसला कमजोर ना पड़े। और आखिर में पूरे कोल इंडिया को आपकी मदद चाहिए ताकि कंपनी बंद ना हो जाए। बोलिए, करेंगे ना हम सबकी मदद? हाँ साहब, हम जरूर मदद करेंगे आपकी। हाँ साहब, जरूर मदद करेंगे। हाँ साहब, हम सब आपकी मदद करेंगे। कोल इंडिया जिंदाबाद। हाउस निर्दोष। बोथ द बेबीज आर फाइन सर। तुम्हारी भाभी ने सौंट के लड्डू भेजे थे निर्दोष के लिए, सोचा था घर आके सरप्राइज दूंगा, देखो क्या हो गया। कोई बात नहीं सर, उसी लड्डू से हम मुंह मीठा करेंगे। थैंक्स गेल, तुम्हारे आने की वजह से कम से कम बीपी कंट्रोल में है। सर आपने बुलाया? खाना पहुंचा उनका? परिवार वाले बना के लाए थे, हमने नीचे भिजवा दिया है। बोला बोला सुन बोला बोला ये खा लो, बहरे को भी सबर नहीं है। बोला भूखा रह के कौन सा गैस रुक जाने वाला है, है? और कौन सा तुमको मेडलवा मिलने वाला? अरे मेडलवा तो तारा के मिलेगा रे, ला के सबको फंसा दिया यहाँ पर। तू छूना नहीं हमको, दूर है हमसे, चिटकता रहता। बट बहरा कहेगा, जब से नंगा घूमता था ना तुम, तब से जानते हैं हम तुमका। हाँ, हमेशा गरम तवा पर बैठे रहते हो और अंदर से डरपोक हो। अरे का भोला, काहे कर रहे हो ये गुस्से का नाटक? नाटक हम कर रहे हैं। तांडो करके बताएं, नाचे छाती पे तेरा बहिरा। गोपरो बहरा को खून तो बहाई दिए ना तुम हमरा, हैं? अब अगर प्राण भी लेना चाहते हो तो फिर ये लो, ये पत्थर लो और जड़ दो हमें। सोचो मत, जड़ दो, बहा दो खून हमरा। कहाँ हो गया बोला? बस रो मत, तू रोता हुआ अच्छा नहीं लगता बोला। बस चुप हो जा, रो मत। अब रोना बंद कर और खाना खा जा। ये रो मत, ये देख कहाँ भेजा है तेरे बाबा ने, ये देख, ये है लिखा। नहीं खाना है। अब क्या हुआ? सब लोगों का घर से मांस मछली मुर्गा संदेश और हमरा बापू को कहाँ भेजा? इलौकी नहीं खाना। इलौकी? ये सुधरेगा नहीं। मजा ले रहा है रे भैया। सही तो बोले हम। ए भैया, ए माफ कर दिया। कैप्सूल रेडी हो गई है, तुरंत लेकर आइए गोरा जी। निकल रहा है। अम्मा, ये रॉकेट कहाँ है?
ये देखिए दयाल सर, आइंस्टाइन का कारनामा, चिड़िया का घोंसला। और फिर देखेंगे अगर उसमें कुछ। सर वो 15 नंबर तक कैसे आ गए सर? तुम जाओ। सेन साहब, अर्जेंटली आपका क्रेन चाहिए। हमारा क्रेन सेन। अरे वो तो तुमने बताया नहीं, बोला था ना तुझे बताने के लिए। सर आगम दौड़ी में दिमाग से निकल गया। ऐसे ऐसे कैसे निकल गया दिमाग से? हुआ क्या? अरे जल्दी करना, हाँ चला। अरे इसको क्या बताए? सर क्या हुआ? पूरा क्रेन खोल दिया मगर प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रहा है। कल तक तो अच्छा चल रहा था। देखो उपाध्याय, सर अगर हमारे माइनर्स को कुछ भी हुआ ना तो एक एक की जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी। जा, कुछ करता हूँ सर। उज्जवल सर, I'm really sorry for this blunder, sir. सेन, हम लोग पहले से बहुत प्रेशर में हैं। प्लीज इस रेस्क्यू को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। I beg you. सर, beg you की क्या बात है सर? ये तो मेरी ड्यूटी है सर। मैं तो पूरी तरह से लगा हूँ सर। देखिए सर, अगर सर माइनर्स का नसीब खराब है तो मैं तो रेस्क्यू बंद कर दूँ। सेन, मैं जानता हूँ तुम लोग क्यों कर रहे हो। अबे माइनर्स जो नीचे फंसे हुए हैं उनकी जान की जरा भी चिंता नहीं तुमको? हाँ, अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए इस हद तक गिर जाओगे तुम लोग? I never thought of this. You're ashamed to call India. Shame. सर, 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 पर्सनल एजेंडा सर? ऐसे कुछ भी नहीं है सर। उपाध्याय ठीक है ना? जल्दी से समझता नहीं है। अजी, क्या हुआ बताओ मुझे। आप दूसरी क्रेन अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है सर, काम डाउन सर। हम मैनुअली स्टार्ट करते हैं ना। वी डोंट हैव टाइम। जब भी क्रेन आ जाएगी वी विल स्विच ओवर। ओके थैंक्स गाइस। हाँ मिंदल बोल। तेरे पास 150 फीट की डीमैग मार्शल क्रेन है ना? नहीं नहीं है। जल्दी जल्दी। तेरे पास 150 फीट की मार्शल क्रेन है? नहीं बिंदल। सेंटर में सीधा लो। मैं सोच रहा था दादा, ऐसे मैनुअली निकालने से तो 15-20 घंटे लगेंगे, सब थोड़ी ना बचेंगे। यहाँ आ सकती क्या? नहीं, तू ये बता यार, मार्शल क्रेन है? मार्शल तो रायपुर में PWD को दिए हैं। आसू से कहो सभी माइनस को 29 इंच बोरहोल के पास लेके आए। जान तारा वाले शर्मा को फोन लगा। क्रेन रांची में है, फौरन भेजता हूँ, 6-7 घंटे में पहुंच जाएगी। उस ड्राइवर को क्या बिना कहीं रुके यहाँ पहुंचे? टॉप गियर भी वरना गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर देख, इतना बड़ा छेदा का है कि अरे हट रे चाचा। हा? इसमें से हमको कैसे खींचेंगे? लागत है रस्सा से हम 20 करेंगे। हट बुड़बड़, रस्सा से खींचेगा तो आजू बाजू टकरा के चोट नहीं लगेगा का? पक्का सीढ़ी लोल करेगा। हे पासू, अरे पानी यहाँ तक आ गया है, मतलब गैसवा भी नजदीक होगा। कुछ बोले का कैसे निकालेंगे हम लोगों को यहाँ से? Will you explain, Gil? माइनस कैप्सूल में फिट कैसे होंगे? चेयरमैन साहब, मेरी हाइट 6'1" और मेरा जो वेट है वो 77 किलो का है। सर, एज पर रिकॉर्ड्स नीचे मुझसे लंबा या चौड़ा आदमी कोई नहीं है। माइनर्स को सांस लेने में तकलीफ ना हो और अंदर आने वाला पानी बाहर निकल सके, इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैप्सूल में ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, इसमें से पानी बाहर आ जाएगा। दरवाजा जो है वो 1 फीट ऊपर रखा हुआ, क्योंकि नीचे कीचड़ भी बन चुका होगा। सर, हम लोग कैप्सूल के नीचे एक रस्सी बांधेंगे। बाय एनी चांस अगर कैप्सूल बीच में ही अटक जाती है और ऊपर नहीं खींच सकते तो माइनस उस रस्सी को खींच के इसे नीचे ले आएंगे। सब माइनस की मानसिक स्थिति को देखते हुए और नीचे भगदड़ ना मचे उसके लिए एक रेस्क्यू ऑफिसर नीचे जाके जांच लेगा और अपने गाइडेंस में एक एक करके सभी माइनर्स को सेफली ऊपर भेजेगा। एक्सेलेंट वर्क गिल। एंड सर, विद योर परमिशन मैं नीचे जाना चाहूंगा। अब तुम थोड़ा आराम करो, इतने दिनों से सो ही नहीं हो, कैसे थके थके से लग रहे हो। सर, सेन के इन दो में से एक अपनी जान की बाजी लगाकर नीचे जाएगा। गुड, प्रोसीड सर। ये रस्सा का है भेजा? रुक रुक, खींच खींच रे। हाँ
कैप्सूल का इंस्पेक्शन हो गया, अब रेस्क्यू ऑफिसर नीचे जा सकते हैं। एक डंका मतलब स्टॉप, दो डंका मतलब नीचे, और तीन डंका मतलब ऊपर। सदा जी तुम क्या सिखाते हैं? यू आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री टुनाइट। यस, गुड लक। और बंगाल टाइगर लोल बासू, ये नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, कुछ आ रहा है हमको ले जाने के लिए। कोई गड़बड़ हो, आपको माफ नहीं करेगा। रोक 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 रोक, वापस लो। बाबूजी क्या हो गया? जल्दी कीज। रुक जाओ भाई, ट्रायल रन कर रहा होगा। जल्दी कीज। अधिको, क्या हुआ? सेनगुप्तो, ये कैप्सूल है, मौत का कुआं है। अरे सेनगुप्तो, तुम घबराता क्यों है? जाओ, सब मरेंगे। पहले तो मकई से नीचे उतारा और अब ये कैप्सूल। अरे सेन सर का ऑर्डर है। अरे जम जा इसे, जम जा। बंगाल टाइगर बोल बोल के अपना बकरा बनाता है। ये बकरा और सेन को भेज। सेन गुप्ता। सर कमजोर निकला सर। तो सर डोंट वरी सर, आई हैव रॉय, अनदर रॉयल बंगाल टाइगर। ये रखो आप। रॉय। सर ये भी कमजोर निकला। बाबूजी आपको क्या होगा? क्या क्या हो रहा है पासु? जरा रुको, धीरज रखो। सर आपने बुलाया, आप डिसाइड करो आपकी टीम में से कौन सा रेस्क्यू ऑफिसर नीचे जाएगा। सर अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस रूल बुक 5 लोगों को नीचे जाना चाहिए, वो भी स्ट्रेचर के साथ। इस कैप्सूल में तो इतना आदमी नहीं। बासु ये कोई रूल्स कोड करने का वक्त है? आई एम सॉरी टू से सर, बट डीजीएमएस का रूल बुक तो ऐसा ही बोलता है। कोई नहीं जाएगा। सर आई वुड हैव फ्यूली गॉन डाउन सर। सर हम फिट नहीं आएगा इसमें। I realize that. अब कौन नीचे जाएगा? दोनों ऑफिसर भाग गए अम्मा। ओ साहब, अब पानी भर रहा है कीचड़ हम लोगों को ऊपर। कौन बचाएगा हमें? उज्जवल सर, अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। No, no, we can't be so selfish, sir. Gil का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इतने टैलेंटेड ऑफिसर को नीचे भेज के उसकी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते सर। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, बट आई प्रॉमिस यू सुबह की चाय मैं आपके साथ आके पीऊंगा, ठीक? धन गुरु नानक परम पिता, अज तुहाडे इस निमाने जेही सिख लई इम्तिहान की घड़ी है, और इस इम्तिहान की घड़ी विच मारा अंग संग रह के सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के मैनू कामयाब होने का बल बख्शना। मजलूमां दी जान बचांदिया जे मेरी जान भी उन्हां दे लेखे लग जाए ते मैनू अपने चरणा विच थां बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। गिल, जब तक क्रेन यहां नहीं पहुंचती नीचे कुछ भी हो सकता है। मेरे यारा एक बार फिर सोच ले। सोच लिया, नीचे जाता हूं। ख्याल रख। सतार जी की रक्षा करना। हाँ दादी। लोल। अरे रस्सा नीचे आ रहा है। ये दुर्गम। Thank you.
सकते सर, ये घोंसला और उसके अंदर की चिड़िया दोनों नीचे तक नहीं पहुंच पा गया सर। घबराओ मत, जल्दी ला सब बोल, जल्दी कर लॉक कर शावर, जल्दी ला लॉक कर, मार हथौड़ा जोर से, अरे और जोर से पकड़ लो। तो यारो हो गया लॉक। लोल माता ने बचा लिया, धरती माता अंदर जान दो, रस्सा फिर से नीचे आ रहा है। ये क्या चीज है, ये कोना का है? तुम तो बोले थे पास सीढ़ी आएगा, ये यंत्र का है? कोई है का अंदर? पकड़ लो पकड़ लो, लगता है कोई अंदर है। ध्यान से धीरे, बजरंग बली की जय। साहब आप मिलिट्री से हो का? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भेजा है आपको? पक्का गोवर्धन बाबू ही भेजे होंगे। रुको एक मिनट जरा, साहब आप कहां से आए हैं बताइए ना। बताइए ना साहब, कहां से आए? कुछ तो बोली। मैं ऊपर से आया हूं, सुना आप लोग यहां पिकनिक बना रहे हो, मैं बोला चलो आप लोगों के साथ मैं भी आ जाता हूं। मजाक किया है साहब। यहां पाशु कौन? ये हम हैं साहब। शाबाश साहब, ये देखिए ना पानी यहाँ तक आ गया साहब, हम लोग यहाँ से निकल तो जाएंगे। कौन रोक सकता आप लोगों को? चंद घंटों में आप लोग अपने अपने परिवार के साथ होंगे, ठीक? जय महाकाल। सबसे ज्यादा जिसको मार लगी है वो सबसे पहले जाएगा। हाँ साहब। अरे भोला क्यों जाए? बोलिए। वो शालिग्राम साहब। ये तो शालिग्राम का नाम ले रहा है। देखिए ना साहब, इसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी और पूरा पैर भी चढ़ रहा है। हमको नहीं, इनका पहले भेज दीजिए साहब। साहब हमारी बात सुनिए, बहरा पहले चलिए। साहब आप भगवान हो? अरे अरे, अरे। ताड़ा तड़ी अंदर घुसो नहीं तो असली का भगवान से भेंट होगा। चलो आराम से। अरे जल्दी जा शालिग्राम, जल्दी जा शालिग्राम, ऊपर मिलते। डरना मत शालिग्राम। नंबर पिलर तक गैस आ गया। आने में कितना वक्त लग रहा है? 14 मिनट लग रहा है। आ शर्मा। बिंदल तू टेंशन ना ले, क्रेन निकल चुकी है। साहब साहब साहब, हमें तीन को छोटा छोटा बाल बच्चा है साहब, आपका तो ही नंबर पे भेज दीजिए साहब। ए मुरली रुको, रुको, ये झूठ बोलता है, इसको एक भी बच्चा नहीं है। देखिए अगला हम जाएंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट कॉल। साहब हमको निकालिए यहाँ से, हम मरना नहीं चाहते साहब। चुप, सब लोग चुप।
जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक? हाँ 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 ठीक, जैसा आप बोलो। सब लोग शांति से एक एक चिट्ठी उठा लो, जिसके नसीब में जो नंबर आएगा उसके हिसाब से वो ऊपर जाएगा, ठीक? और कोई झगड़ा नहीं चाहिए, एक एक करके आइए और चिट्ठी उठाइए। आप आइए पहले। हम साथ चले चलो, तो कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। अरे नहीं, अभी नहीं, रोना तो नहीं, चलो शाबाश शाबाश, चलो दरवाजा बंद करो। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। धरती माता के पूरे रानीगंज में तुमको लौकिया का सब्जी मिला था हमको नीचे भेजने के लिए। अरे घर चल, बटन खिलाता हूँ तुझे। अरे मेरे बेटा, कोच बाबू ने बचा लिया। दिक्कत को तोड़ेंगे, वादा है वादा है, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हमका जो चाहे सजा दे दो साहेब, मंजूर है सब कुछ। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। रिलैक्स, क्रेन आ जाएगा जल्दी। दावा है, दावा है, जीतेंगे। आठ नौ घंटे लग जाएंगे भैया, लंबा जाम है, बुरा फंसे। सर सर, 40 माइनर्स और बाकी हैं भी। ट्रेन आ क्यों नहीं जाए? अब सदर जी सक्सेस होने के बाद भी फेलियर साबित होगा। I'm sure 40 में से सिर्फ 20 माइनर्स ही बाहर आ पाएंगे, बाकी 20 का और सदर जी का नीचे ही दिए होने वाला है। साहब जी, पानी तेजी से बढ़ रहा है, ट्रेन आ तो जाएगी ना? क्या नंबर है तुम्हारा? 64। क्रेन पहुंचने वाली होगी, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। जी। धरती माता के। रुको दादा। अरे सेन, आओ। आपने हमको बुलाया दादा? हाँ, पहले बताओ तुम चाय पिएगा कि मलाई वाला दूध पिएगा? नहीं दादा, अब जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे दादा, हमारा माइनस को सुरक्षित निकालने के बाद ही करेंगे दादा। तुम्हारा मेहनत अब नोटिस किया। हाँ धन्यवाद दादा। गांगुली रस्सी ले गया। वो भी लाया दादा। रस्सी क्यों दादा? एक तो कुत्ता को इधर बांधना है। तुम्हारा जैसा नॉनसेंस बंगाली की वजह से हमारा पूरा बंगाल बदनाम है। ऐसा मत से मत बोला दादा। तुम अपना बकरी छाप ऑफिसर को बंगाल टाइगर का दर्जा देता है। दादा दादा, बंगाल टाइगर हमारा माइनस को लेकर पॉलिटिक्स खेलता है। गांगुली, तुम्हारा सब बदमाशी हमको गांगुली बताया, सब बदमाशी गांगुली बताया। तुम क्रेन में कांडी नहीं किया होता ना, तो गिल का सक्सेस निश्चित था। अब सदर जी सक्सेस होने के बाद भी फेलियर साबित होगा।
पूरा बात बताएगा कि और मार खाएगा? नहीं, नहीं, बताएगा बताएगा बता। हाइड्रोलिक होस पाइप निकाल दिया ताकि क्रेन का वहीं चलना बंद हो जाए और वो कैप्सूल ऊपर नीचे ना जा पाए। अरे साला, कैप्सूल अगर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो हमारा माइनस कैसे बाहर आएगा? हम निकालेगा, हम निकाल। सुनो सुवार, आधा घंटा का अंदर हमको इधर क्रेन चाहिए, नहीं तो अभी तो हम तुमको आधा नंगा किया है, बाद में पूरा नंगा करके रानीगंज में घुमाएगा। नहीं, 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 दादा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। उज्जवल, सेन का क्रेन अभी थोड़ा देर में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ हैं। चल चल गांगुली, देख लूंगा तुझे। ए, और, सबके सब कामचोर, आयो मजा। कौन इंडिया का पैसा बर्बाद कर रहा है? सोने का पैसा मिलता है तुमको? क्रेन को जोड़ो फटाफट, इसको लेकर जाना है तुम्हारे बाप की बारात में। चल भाग जा। सर, दिवाकर ने फोन पे बताया मुझे कि वो नीचे गए हैं, तो प्लीज आप उनको। आई एम सॉरी निर्दोष, यहाँ पे कोई भी ऑफिसर असल में नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे सॉरी क्यों उज्जवल सर? सॉरी नहीं, वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। अब मुझे पता चला कि गिल इतना फियरलेस कैसे है। यू आर वेरी ब्रेव बेटा जी। ये लीजिए, नीचे भिजवा दीजिएगा। उनके एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिना आई ड्रॉप्स डाले माइंस में नीचे ना उतरें। अंधेरे में ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो उनकी आँख खराब हो सकती है। वो औरत कह रही थी कि उसके पति को ना सामने दूसरा जीवन दान दिया। अरे आई ड्रॉप छूट गया भाई। हट जा, रसल के साथ हे भगवान, ऐसे दांत छोड़ दो काम बाबूजी। क्या हो गया यहाँ पे? उगधा ऑपरेटर पसीना पोंछने के लिए हाथ छोड़ा तो पूरा बोझ दूसरे पर आ गया, वो संभाल नहीं पाया और हैंडल छूट गया। अगर ये टूट के नीचे गिर जाता तो हम लोग ऊपर कैसे जाते? जल्दी पूरी चेक कर तपेश्वर, बोलना सब ठीक है? ठीक है सर। कीजो आज से तारे छोड़ दिया, जो भी था वो बाल बाल बच गया। धरती माता के बाल बाल बची भरती। नारंगी का आटा घर में रखा है ना? जब महाभारत के दिन पिए ना, इसीलिए दीजिए मुझे। अब चलिए। सुनो सुनो, क्रेन आ गई है, थोड़ा हौसला रखो, अब फटाफट निकल जाएंगे यहाँ से। हौसला रख बेटा, आराम से, इसका हाथ मल, इसका हाथ मल। जैसे आप देख रहे हैं, अब हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज चल रहा है। क्रेन के आने के बाद पिछले कुछ समय में 21 माइनर्स को हम सेफली बाहर निकाल चुके हैं। सर, हमने सुना है नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कोई खतरे की बात नहीं है, नीचे कोई गैस नहीं बन रही है और बचे हुए माइनर्स भी सही सलामत हैं। जैसे हमने 57 माइनर्स को रेस्क्यू किया है, वैसे ही बाकी के फंसे हुए 8 माइनर्स को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। माता के! ये
एक मिनट सर। अरे सलीम चाचा, सलीम चाचा, सलीम चाचा उठो, आप मेरे नंबर पर चले जाओ। लाओ अपनी चिट्ठी मुझे दो, लाओ ये लो। चलो आराम से, बंद करो, हिम्मत रखो चाचा, ऊपर ले जल्दी। ये क्यों किया? 65वां नंबर मेरा है साहब, और मैं अपने नंबर के हिसाब से ही जाऊंगा। बस आ गया नंबर, सांस ले जोर से, हाँ सांस। तुम चलो, कुछ नहीं होगा। चाचा तो हिम्मत रखो, चलो चलो। बासु, बासु नारायण को संभाल। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, चलो चलो, कुछ नहीं होगा। नीचे। By the looks of this miner, isn't it obvious that the carbon dioxide has reached them? Will the last two miners be able to come out alive? आप जाओ साहब, मैं बाद में आता हूँ। दोस्त, मेरा नंबर 66 है, और मैं भी अपने नंबर के हिसाब से जाऊंगा, ठीक? कुछ नहीं होगा, जल्दी से चलो सरदार जी को पहुंचा लो। गैस, गैस जल्दी कर। अभी दिखाएंगे, दिखाती हूँ, आ। गर्ल, गर्ल, गर्ल। मिस्टर गिल, शी इज प्रेग्नेंट, ख्याल रखिएगा निर्दोष का।
तो सचमुच का खालसा है। दीदी दीदी चलिए ना, मिल लेने दो पहले सबसे। You did it, kid. No, sir. We did it. We did it. Kid, sir. बड़ी देर लगा दी जी। कोई गल नहीं, अगली बारी जल्दी आ जाऊंगा। Gil, as a token of gratitude, announce the sum of rupees 1 lakh and an immediate promotion for you. Thank you, sir. Sure. As promised, sir. Ek ek cup chai ho jai. Sense up. You also invited. पिछले 3 दिनों में जो सबसे कम था वो था वक्त, जो सबसे ज्यादा थी वो थी उम्मीदें, और उन दोनों के बीच में थे सरदार जसवंत सिंह गिल। गिल के द्वारा किए गए इस बचाव अभियान को देश और विदेश हर जगह सराहा गया। बचाए गए माइनर्स और उनके परिवार वालों की नजरों में वो भगवान बन गए, और कई लोग उन्हें कैप्सूल गिल के नाम से भी पुकारने लगे। गिल की कोशिश के नतीजे से एक्स सर्वे ऑफिसर तपन घोष को उनका बकाया पैसा और ग्रेच्युटी मिल गई। जसवंत सिंह गिल को उनकी बहादुरी और साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। Thank you.
सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू। नाते हैं बाद तेरे आते हैं, इश्क आखरी है तू। सजदे में मेरे लब है रब, जहां है तू अब है मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सबसे कीमती 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 है तू। नाते हैं बाद तेरे आते हैं, इश्क आखरी है तू। सजदे में मेरे लब है रब, जहां है तू अब है मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सबसे कीमती 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 है रब, जहां है तू अब है मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती।